शाम होते ही ना मन करते कुछ चटपटा खाओ, और हमेशा तो मैं बाहर का खाना खा भी नहीं सकती, तो घर पे मैंने बनाया ये टेस्टी सर रेसिपी। जिसके लिए पहले ग्रीन चटनी के लिए मैंने लिया है धनिया पत्ता, कच्चा आम, ढेर सारा दही, उसके बाद हरी मिर्च, थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा शुगर, इसको हम ब्लेंड कर लेंगे। हो गया मेरा चटनी रेडी। और अभी हम बनाएंगे साबूदाना का बड़ा, जिसके लिए मैंने लिया है साबूदाना और बॉइल्ड पोटैटो, उसके बाद मैंने लिया है रोस्टेड पीनट्स, उसके बाद धनिया पत्ता, और इस पे हम देंगे थोड़ा सा काली मिर्च और नमक और थोड़ा सा चाट मसाला, और इसको हम ना अच्छे से मिला लेंगे। और ये हो गया मेरा मिक्स रेडी। और इसके बाद क्या करना है, इसको ना हम हाथ में थोड़ा सा तेल ले लेंगे ताकि ये चिपके ना, और इसको थोड़े थोड़े सा गोल कर डोनट जैसे सेप देंगे। आप चाहे तो जिसके भी टिक्की जैसे सेप दे सकते हो, जो मन चाहे सेप दे सकते हो, मेरा ये वाला ज़्यादा अच्छा लगा। तो ये मैंने सारी रेडी कर लिया है। अब कर लीजिए ऑयल को थोड़ा सा गर्म, गर्म करने के बाद जितनी भी टिक्की मैंने बनाई थी वो मैं फ्राई कर लूँगी। फ्राई करने के बाद ये इतना ज़्यादा टेस्टी हुआ था भाई, मतलब मैं नहीं कह सकती, आप लोग ज़रूर इसको बना रहे, और ग्रीन चटनी के साथ तो ये बहुत अच्छा लग रहा था। और अगर आपने बनाया तो ज़रूर बताना कि कैसा हुआ है। वीडियो को अच्छे लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। ओके बाय।